नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल की फैक्ट पे आप सभी का स्वागत है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं एक सीरीज चला रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनज़र कि सरकार की कौन कौन सी स्कीम से कितने लाभार्थियों को कितना लाभ मिला है। इसी सीरीज में मैं केंद्र सरकार की एक योजना है किसान सम्मान निधि, मैं उसकी बात करूँगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है तो सबसे ज़्यादा किसान भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और लगभग 18% जनसंख्या वाला राज्य है पूरी जनसंख्या का। तो उत्तर प्रदेश के में किसान सम्मान निधि में 2,34,00,000 किसान रजिस्टर्ड हैं और लगभग 2,26,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि हर चौथे महीने 2,000 रुपये उनके खाते में जाती है और पूरे साल का 6,000 रुपये उनको किसान सम्मान निधि के तौर पर मिलता है। तो लगभग आप ये मान करके चलिए कि लगभग 2,25,00,000 बेनिफिशरी जो हैं वो इस योजना के हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये भी चुनाव पे एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में जब सारी पार्टियों ने गठबंधन कर लिया था, आरएलडी, सपा और बसपा ने, तब भी एक प्रचंड जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स का बहुत फ़ायदा रहा। इसके अलावा किसानों के लिए सरकार 42 से 43 अलग अलग स्कीम्स चलाती हैं। कुछ उसमें पेंशन्स की स्कीम्स हैं जिसमें आप 60 साल के बाद किसानों को कुछ पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये महीने के आसपास। उसमें कुछ आपको 50-55 रुपये महीने जमा करना होता है और इसके अलावा सिंचाई के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। आप वहाँ से आप सब्सिडी ले सकते हैं। इसके अलावा किसानों के लिए सरकार ने किसान फसल बीमा योजना भी, हालांकि कम जागरूकता की वजह से वो उतनी सफल नहीं हो पाई हैं, लेकिन डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक ऐसा माध्यम है कि एक बार खाता आपका जुड़ जाता है तो आपको बहुत कुछ करना नहीं होता है, वो डायरेक्ट पैसा आपके खाते में आता है। तो बहुत सारी स्कीम्स को तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि बहुत सक्सेस हैं, लेकिन लगभग 43 स्कीम्स हैं जो पूरे देश भर में चल रही हैं और उत्तर प्रदेश में भी चल रही हैं किसानों के मार्फत उनकी सुविधाओं के लिए। दोस्तों, मैं एक किसान परिवार से हूँ और खेती बाड़ी करना भी मेरा शौक़ रहा है, मैं उसको करवाता हूँ, करता भी हूँ। तो अगर कोई सरकार वास्तव में किसानों का भला चाहती है और वास्तव में किसानों की स्थिति अगर बदले तो उसके लिए दो काम बहुत ज़रूरी हैं करने। एक तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगानी, हर ज़िले में 10, 15, 12, 20 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगें ताकि गेहूं, धान के अलावा भी किसान नई फसलों को उगा सके और वो प्रोसेस्ड फूड विदेशों में या देश के अलग अलग हिस्सों में, शहरों में वो बेचा जा सके। तब किसान की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ हद तक कम होंगी। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग जब तक नहीं होगा तब तक किसानों की स्थिति को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, उससे निश्चित तौर पे बहुत बेनिफिट मिला है किसानों को, लेकिन अगर एक्चुअल में चीज़ों को बदलना है तो हमको नई टेक्नोलॉजी और इससे नए तरीके के संसाधन और नए तरीके की अर्निंग के स्रोत हमको ढूंढने पड़ेंगे जो किसानों के हित में रहेगा और जो किसानों को फ़ायदा दे सकता है। सॉइल हेल्थ कार्ड है, ट्यूबवेल लगाने पे सब्सिडी है, सोलर पंप है, बहुत सारी योजनाएं हैं। कुछ नाबार्ड के थ्रू हैं, कुछ सहकारिता कृषि मंत्रालय के थ्रू हैं, कुछ इस तरीके के अलग अलग मंत्रालयों के थ्रू बहुत सारी एग्रीकल्चर्स की और किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब आपके पास कितनी जागरूकता, आप उसका कितना लाभ उठा पाते हैं आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरे पास किसान सम्मान निधि का आंकड़ा है तो मैं किसान सम्मान निधि पे बात कर रहा था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि सरकार ने पहले कृषि विभाग के अंतर्गत ही मछली पालन विभाग आता था, इस बार केंद्र सरकार ने उसका एक अलग से मंत्रालय बना दिया है, मत्स्य विभाग एक अलग से बन गया है पूरा। तो उससे फ़ायदा यह हुआ कि उसको अलग से 20,000 करोड़ रुपया दे दिया गया है मछली पालन, मछली पकड़ने, उनकी वेलफेयर में, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी इंश्योरेंस के लिए, उनको नाव बनाने के लिए,
इस तरीके के उनको जाल खरीदने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मत्स्य में काम करने वाले, मछली पालन में काम करने वाले लोगों के लिए दिया है सरकार ने। तो जो जागरूक लोग हैं वो उसका भी वहाँ पे भी लाभ उठा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को, जो किसान के जो ट्यूबवेल हैं, नलकूप हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में पड़ते हों चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ते हों, उनका बिजली बिल आधा कर दिया है। उनका जो जहाँ पे मीटर लगा हुआ है वहाँ पे मीटर के हिसाब से आधा कर दिया है, और जहाँ पे फिक्स चार्ज है, जैसे ग्रामीण इलाकों में मीटर नहीं लगे हुए हैं नलकूपों पे, ट्यूबवेलों पे, तो वहाँ पे जो पर हार्स पावर जो फिक्स चार्ज था उसको सरकार ने आधा कर दिया है। तो निश्चित तौर पे किसानों को उससे बहुत राहत मिलेगी, बहुत लाभ मिलेगा। तो वह भी कहीं ना कहीं किसानों को अपील करेगा इस सरकार को, किसानों की तरफ से। तो मैं आपको बता रहा था कि जो ये 2,26,00,000 लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र होता है किसानों के खाते में, निश्चित तौर पे यह भी चुनाव को प्रभावित करेगा। धन्यवाद।